चाहता है गजनी से, गजनी को क्यों खोजा जाएगा। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं पॉलीग्राथ स्टूडियोज और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। मेकर्स गजनी फिल्म की सीक्वल बनाने जा रहे हैं जिसका नाम गजनी 2 होने वाला है। फिल्म में हमें बहुत सारे चेंजेस भी देखने को मिलेंगे क्योंकि अब मेकर्स फिल्म में बहुत सारे नए टेक्नोलॉजीज का यूज करते नजर आएंगे ताकि फिल्म और ज्यादा अच्छी बन सके और ऑडियंस उसे ज्यादा से ज्यादा पसंद कर सके। आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, फिल्म गजनी की तरह फिल्म गजनी 2 भी एक हिट फिल्म साबित होगी या नहीं। फिल्म गजनी 2 में हमें ये देखने को मिलेगा कि गजनी उस इंसिडेंट को भूलकर अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कोई ऐसा भी है जो गजनी को भूल नहीं पाया है और वो कोई और नहीं बल्कि वो लड़की है जिसे गजनी बचाता है। फिल्म गजनी 2 में हमें ये देखने को मिलेगा कि सुनीता यानी जिया खान की शादी एक पुलिस ऑफिसर से हुई है जो कि अपने काम को लेकर कोई बेईमानी नहीं करता है, जिसके कारण उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था, लेकिन फिर भी वो कभी भी हार नहीं मानता था, जिसके कारण एक दिन गुंडे उसके घर आते हैं और आकर उसे उसके घर से उठा लेते हैं और साथ ही सुनीता को धमकी भी देते हैं, जिसे सुनने के बाद सुनीता पुलिस के पास जाती है लेकिन वहां उसे कोई मदद नहीं मिलती है, जिसके बाद वो सीधे गजनी के पास जाती है जिसके बाद वो उसे उन गुंडों के बारे में बताता है। गजनी एक बार फिर से अपने उस रोल में नजर आने वाला था जिसे उसने कई साल पहले अपने अंदर ही दबा लिया था। इसके बाद वो उन सब के बारे में पता लगाता है और उसे पता चलता है कि उन लोगों ने सुनीता के हस्बैंड को अपने फार्म हाउस पर रखा है, जिसके बाद वो वहां जाता है तो उसे पता चलता है कि जिस इंसान ने सुनीता के हस्बैंड को किडनैप किया है वो इंसान जो आमिर के बॉडीगार्ड का काम किया करता था। इतना जानने के बाद आमिर यानी गजनी पूरी तरह से शॉक हो जाता है और ये कैसे हुआ यह सोचता है, जिसके बाद वो यानी गजनी सुनीता के हस्बैंड को बचाकर वापस लाते हैं और जब यह बात सलीम यानी आमिर के बॉडीगार्ड को पता चलती है तो वो पूरी तरह से बौखला जाता है, उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। गजनी सुनीता के हस्बैंड को उसके पास पहुंचा देता है और साथ ही उन्हें सुझाव देता है कि कुछ दिन मेरे घर में रहो। वो दोनों इस बात को मान लेते हैं और उसके साथ रहने लगते हैं। वहीं गजनी के बॉडीगार्ड को यह भी पता चल जाती है कि गजनी जिंदा है और उसने ही उन्हें सहारा दिया है, तो वो गजनी से मिलने उसके घर आता है और गजनी को धमकी देने का ट्राई करता है, लेकिन जैसे उसने सोचा था यह बिल्कुल उसका उल्टा हुआ, जिसके बाद वो बौखलाता हुआ वहाँ से चल दिया। वो गजनी के घर से तो चला गया था लेकिन बदला लेने के भावना नहीं गई थी। फिल्म की स्टार्टिंग तो ऐसी होगी लेकिन फिल्म की क्लाइमेक्स में हमें इस बार पहले से ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा, तो अब देखना ये है कि आखिर गजनी 2 कितना कमाल और धमाल मचाती है। आपको क्या लगता है, गजनी 2 ब्लॉकबस्टर हिट साबित होगी या नहीं? आप अपने ओपिनियन हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।